14th Finance Commission में 88,583 करोड़ को बढ़ाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने 2,19,506 करोड़ रुपया दिया। मुद्रा लोन के तहत 39 करोड़, स्मार्ट सिटी के तहत 960 करोड़, अमृत मिशन के तहत 4,900 करोड़, हृदय योजना के तहत 22 करोड़, स्वच्छ भारत के तहत 204 करोड़, बसों की खरीदी के लिए 239 करोड़, बेंगलुरु मेट्रो के लिए 2,600 करोड़, खनिज कल्याण योजना के 209 करोड़, मुद्रा स्वार्थ कार्ड के 31 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों के लिए उसके लिए 600 करोड़, आवास योजना गरीबों के आवास के लिए 219 करोड़ और अलग अलग सड़कों के निर्माण के लिए 27,000 करोड़ और रेलवे के लिए 2,100 करोड़, टोटल 79,000 करोड़ रुपीस, 79,000 करोड़ और 2,19,000 करोड़, 2,19,000 करोड़, ये दोनों मिलाते हैं तो 3,00,000 करोड़ रुपीस कर्नाटक की जनता के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजने का काम किया है। मित्रों, मगर इसमें से कुछ आपके गांव में आया है क्या? मैं आपको बताऊं कहां गया पैसा, बताओ। देखिए, आपके गांव में कोई कांग्रेसी का घर हो तो उसको देख लीजिएगा। 5 साल पहले एक 3 के पत्रे का घर होगा, आगे एक ल्यूना मोपेड खड़ा होगा। 5 साल के बाद अब देखिएगा 4 मंजिला पक्का मकान बना होगा और एक महंगी गाड़ी उसके घर के सामने आ गई होगी।